नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। कोरोना वायरस रोकथाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नई पहल शुरू की है। सरकार के द्वारा कोरोना वायरस पर अंकुश लगाने के लिए आम जनता के लिए कोविड टीका अनिवार्य कर दिया है, जिससे कोरोना वायरस से लोगों को बचाया जा सके और कोरोना महामारी के टीके से जो लोग भागते नजर आ रहे हैं उन्हें राशन की दुकान से राशन लेने से पहले कोविड टीका कार्ड दिखाना अनिवार्य कर दिया है, जिससे कोरोना वायरस महामारी के टीके के प्रति लोगों में जागरूकता। पहले इसके लिए जगह जगह राशन की दुकानों पर बकायदा अभियान भी शुरू कर दिया गया। राशन की दुकानों पर भी को भी दिखे की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। जो लोग राशन लेने आए हैं वह टीका जरूर लगवाएं। इसके लिए राशन की दुकानों पर ही वैक्सीनेशन कार्य करवाया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के शहर का है, जहां पर राशन की दुकानों पर राशन डीलरों के द्वारा आम। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।